नमस्कार दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो बिटकॉइन के बारे में है। अभी इंडिया में कम्प्लीटली बैन क्रिप्टो करेंसीज आफ्टर ऑल। काफ़ी टाइम से, एक दो वीक से यह न्यूज़ सुनने को मिल रही है, तो इस न्यूज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्या बिटकॉइन कम्प्लीटली बैन हो सकता है या नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला इंडियन गवर्नमेंट को कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अपने जो एडवाइजरी है, गाइडलाइन, वो जारी करे। इन्होंने अब तक जो कमेटी बैठा रखी थी उसका रिजल्ट क्या निकला, 30 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी जो कि हर साल होती है, FSDC की मीटिंग, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होती है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। और जो इश्यू थे वर्चुअल करेंसी के बारे में वो डिस्कस किए गए यहाँ पे। काउंसलिंग में यह बताया गया है कि जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं, करेंसी हैं, उनको अभी हाई लेवल कमेटी ने चेयरअप किया है, और जो इकोनॉमिक अफेयर्स की जो हाई लेवल कमेटी थी उसके जो हेड थे, उन्होंने डिस्कस किया इसके बारे में कि इसको जो भी बाइंग, सेलिंग, ट्रांजेक्शन और क्रिप्टो करेंसी का कन्वर्ट इनटू रुपीस में भी बैन, बट नॉट पोजेशन, ऐसा बैन रहेगा अभी तक, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या रूपरेखा आती है उसके बारे में आपको भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र गर्ग इसके सेक्रेटरी थे इस कमेटी के, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से आते हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो मीटिंग बैठा रखी थी उसका डिस्कशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा, और जिन लोगों ने पिटिशन फाइल कर रखी है उनका पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा कि इसको बैन किया जाए या रेगुलेट किया जाए या इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए। जो पैनल था वो सेटअप किया गया था दिसंबर 2017 में सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और चेयरपर्सन हेडेड थे उसके सुभाष चंद्रा, जो कि इकोनॉमिक अफेयर से आते हैं। और जितने भी जो एक्सचेंज हैं इंडिया की, सब ने ऑलरेडी एक एक पटिशन फाइल कर रखी है, और जो आरबीआई है इसके जो त्यागी हैं, जो भी एक इसके अजय त्यागी हैं जो कि सेबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी एक पटिशन फाइल कर रखी है। और नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर जो रूल लागू हुआ था उसके बाद जेपे, जो कि करंट कंट्री का लार्जेस्ट एक्सचेंज था, वो ऑलरेडी इंडिया से आउटसाइड शिफ्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इंडिया में INR2 क्रिप्टो करेंसी का जो फिएट एक्सचेंज है वो अभी ऑलरेडी बंद है, बैंकों ने अभी बंद कर रखा है क्रिप्टो करेंसी से लेन देन, लेकिन पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी का अभी वजरेक्स एक्सचेंज है उसके थ्रू चल रहा है, लोकल बिटकॉइन के थ्रू चल रहा है, नेटलर के थ्रू चल रहा है, ठीक है। अगर 20 नवंबर को जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसके ऊपर जो पिटिशन फाइल कर रखे सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर विचार करेगा। और अभी एट प्रेजेंट लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम से आप INR से पीयर टू पीयर जो कन्वर्सन ऑफ करेंसी का है वो बाई और सेल कर सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। लोक